नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां वेल इक्विप्ड हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग है। नवजीवन हॉस्पिटल अल्ट्रा लो डोज सीमेंस 96 स्लाइस सीटी स्कैन एंड हाई फ्रीक्वेंसी एचडीसी आर्म मशीन से इक्विप्ड है। भवानी मंडी का एकमात्र ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर जो कि एम पैनल्ड है, निशुल्क इलाज, दवाइयां एवं ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना RGHS, ESIC एवं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा निशुल्क घुटना प्रत्यारोपण एवं आर्थ्रोस्कोपी एंड आर्थ्रोप्लास्टी की सुविधा RGHS योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। नवजीवन हॉस्पिटल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है। समूह बीमा लोन वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए केयर हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है, स्टार हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा नवजीवन हॉस्पिटल में उपलब्ध है। स्वर्गीय लॉर्ड जी के नून साहब की नौवीं पुण्यतिथि मनाई, दिनांक 27 अक्टूबर रविवार आज स्वर्गीय लॉर्ड जी के नून साहब की नौवीं पुण्यतिथि नून हॉस्पिटल में मनाई गई। डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब ने नून हॉस्पिटल में नून साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। नून हॉस्पिटल के संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब ने इस अवसर पर नून साहब को याद करते हुए उनकी मानव सेवा के बारे में बताया। डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करे और अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित करे वही मानवता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी नून साहब थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो पूरा परिवार किस प्रकार चिंतित होता है, उसकी सेवा करता है, उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं जिसके लिए दुखी होते हैं। इसी प्रकार एक परिवार के सदस्य की भांति बीमार के दुख को दूर करने के लिए स्वर्गीय नून साहब ने नून हॉस्पिटल के माध्यम से क्षेत्र के पीड़ित के दुख दूर करने का संकल्प लिया और लोगों की सेवा करने का संदेश दिया। वही संदेश हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस अवसर पर CA मुदित गंभीर, नेत्र सहायक अमित अरोड़ा, डॉक्टर कासिम अली, तूफान सिंह, पिंटू पाटीदार, प्रवेश पाटीदार, शकील मोहम्मद के साथ नून हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद था जिन्होंने नून साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह जानकारी नून हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। भवानी मंडी से VPN न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।